मात्र 65,000 रुपीस में ये सेल आउट कर रहा हूँ, हम 52,000 रुपीस में आपको दे देते। 2020 के आपको आएंगे 55,000 में, 55,000 रुपए में, और 19 वाली आपको आएंगी 48,000 रुपीस को, 45,000 रुपए में आ जाएगा। आपको फाइनल रेट अगर मैं बता दूं तो ये आपको 58,000 से 60,000 रुपए में आ जाएंगे। अच्छा। मात्र 38,000 रुपए तक के आ जाएंगे, 48,000 रुपीस में दे देते हैं, ये आपको 58,000 रुपीस में आएंगे। हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर मंडी ब्लॉग, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ नागपुर, और सेकंड हैंड बाइक का मंडी सबसे बड़ा यही पे है नागपुर में। और कहाँ पे, ये पूरा एड्रेस बताएंगे, पहले तो वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा वीडियो अभी लाने वाला हूँ, बहुत सारा ऐसा वीडियो, कार बाइक सब नागपुर का दिखाने वाला हूँ, वो भी महाराष्ट्र का, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसी बात पर तो लाइक बनता है। जितने भी महाराष्ट्र से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ सेकेंड हैंड बाइक, तो आज मैं हूँ फिर से नागपुर में। तो हमारे साथ है दानिश भाई, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी, चलना भी चाहिए। और यहाँ के लोग तो वैसे भी बहुत प्यारे हैं, हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। और नागपुर में हर लोग, जितने भी यहाँ के सब डीलर्स लोग हैं या जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, सब हम ही से कोई भी लेन देन के बारे में हमसे मशवरा करते हैं। अच्छा। हमको इस लाइन में, यानी मेरे पापा और मेरे पापा से पहले मेरे दादाजी, अच्छा, यानी हमारी तीन पीढ़ी इसी लाइन में अभी भी है। तो कितना साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ 2008 से ये बिजनेस आप कर 2008 से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पहले मेरे पापा, जिन्होंने इस बिजनेस में 45 ईयर्स दिए, और उससे पहले मेरे दादा ने, जब ये सेकंड हैंड मार्केट जब ये स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने 25 साल इस बिजनेस को संभाले। क्या बात है, बहुत लंबा चल रहा है जर्नी भाई। ओके, यहाँ कौन से एड्रेस पे हम लोग, कहाँ पे इस वक्त खड़ा है, कौन सी जगह है ये? इस जगह के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो ये है नागपुर नियर शुक्रवारी तालाव चिकनिस पार्क ग्राउंड। अच्छा। मेरी शॉप का नाम है रजा इंटरप्राइजेस वतन ऑटो डी। ओके, तो दानिश भाई आज कौन कौन सी बाइक दिखाने वाले हो? मैं आपको छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक, यानी सेकंड हैंड्स के टू व्हीलर में कम रेंज से शुरू करते करते अपन थोड़ी सी बड़ी, फिर ऊपर करते हुए स्पोर्ट्स बाइक से लेके हर गाड़ी में आपको आज दिखाऊं। क्या बात है, यानी कि सभी बाइक आपके पास अवेलेबल है? सभी बाइक मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे दोस्तों जी। ये बाइक कहाँ की है? ऐसे ये बाइक सिटी की है। अच्छा, सिटी की है। हाँ। ओके, कौन सी मॉडल बाइक है ये? ये बाइक है 2008 की पैशन प्लस। 2008 की है पैशन प्लस। यस सर। क्या रनिंग हो चुका है इसका? इसका रनिंग अगर हम देखा जाए तो ओरिजिनल इसकी रनिंग है 64 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर चली है। अच्छा। वेल मेंटेन एक बुजुर्ग आदमी की है। अच्छा। इनकी गाड़ी की अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हम लोग जो गाड़ी किसी से लेते भी है तो उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं। ये किसी स्कूल में एक क्लर्क की गाड़ी है। अच्छा। जो आज यहाँ सेल आउट करने के लिए, और बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ये ज्यादा दूर की नहीं, मेरे पड़ोसी की ही गाड़ी है। क्या बात है, तो ये 64 किलोमीटर चला हुआ है, फर्स्ट ओनर पे है गाड़ी? हाँ, फर्स्ट ओनर है। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? ये गाड़ी का वैसे अगर आप मार्केट में अगर पूछताछ करते हैं तो हम इसको फाइनल, इसको 19 से 20,000 तक के हम इसको दे देते हैं। 19 से 20,000 तक के हम इसको दे देते हैं। एनी हाउ, बगल में देखते हैं तो 2013 की पैशन है, जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट, अलाई व्हील, डिजिटल मीटर, ये सब कुछ मिल जाता है। क्या रनिंग हो चुका है इसका? रनिंग की अगर मैं बात करूं तो 2013 के हिसाब से अभी तक के ये 30 से 32,000 किलोमीटर चल चुका है। 30 से 32,000 जी। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? ये आखिरी अगर हम किसी कस्टमर को बताते हैं कि ये आखिरी तक के हम इसको 30 से 32,000 या 34,000, अच्छा, उस हिसाब से, उस रेंज तक हम इसको डिलीवर कर देते हैं। बगल में एक होंडा, उसके बाजू में शाइन 125 है एसपी। अच्छा। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है जी। जिसमें डिजिटल मीटर, सेल्फ स्टार्ट, अलाई व्हील, डिस्क ब्रेक, साथ ही साथ इसमें मोनो शॉक अप सस्पेंशन है। अच्छा। जिसमें गाड़ी जब गड्ढा कूदती है तो ये दूसरी शाइन के मुताबिक गड्ढे को बहुत अच्छी तरीके से सोख लेती है। कौन सी मॉडल आपने? ये 2018 का मॉडल है। 18। और किलोमीटर? किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 22,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा। गाड़ी अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे जैसे एक स्टूडेंट की गाड़ी है। अच्छा। स्टूडेंट ने लिया, अब उसने 2 साल यूज करने के बाद अपने पापा के साथ आगे बेचा। अच्छा। कैसे स्टूडेंट लोग कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे, इसलिए हम उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ गाड़ी की डील करते हैं। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? इसकी फाइनल का अगर मैं आपको देने की रेट बताऊं तो ये हम 52,000 रुपीस में आपको दे देते 52,000 रुपए भी, इसीलिए क्योंकि एसपी शाइन इस वक्त शोरूम से बंद हो चुकी है। अच्छा।
और जो गाड़ी बंद हो गई है उसका मार्केट वैल्यू में दो पैसा ज्यादा आता है। ये बात मैं आपके खरीदने वालों और बेचने वालों को भी ये बात बताना चाहूंगा। अच्छा जी। क्योंकि जो गाड़ी बंद हो जाती है खासकर हीरो या होंडा की, उसकी रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा ही मिलती है। अच्छा, बगल में आता है एक होंडा, बगल में आता है तो ये आपको 2017 की ड्रीम युगा है। अच्छा, ड्रीम युगा है, ड्रीम युगा है 2017 की। इसकी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये एक रेलवे ऑफिसर की गाड़ी है। रेलवे ऑफिसर की गाड़ी है। यानी कि कंडीशन में होगी, कंडीशन में बिल्कुल है। ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे में वो कुछ टिकट काउंटर वगैरह संभालते थे, इन्होंने शोरूम में गाड़ी दिए थे। अच्छा। यानी जो लोग हम लोग मार्केटिंग का भी काम संभालते हैं, जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले, हम उसमें भी एक्सचेंज करते हैं। अच्छा। तो ये एक रेलवे ऑफिसर की गाड़ी है। अच्छा। उन्होंने ये ड्रीम युगा बेच के होंडा शाइन खरीदे थे। अच्छा। तो 2017 मॉडल है। किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसकी किलोमीटर रीडिंग है 32,000 किलोमीटर। क्या रेट में छोड़ा जा रहा है? अगर इसको छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 45,000 रुपीस में आ जाएंगे, 45,000 रुपए में। ये तो हमने देख लिया बाइक। साथ ही साथ इसमें आपको सेल्फी स्टार्ट अलाई व्हील ये भी मिल जाता है। इसमें एक और एक अपग्रेडेड मॉडल है जिसमें डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है। और हम लोग अपनी सभी गाड़ियों के साथ एक सर्विसिंग आपको फ्री देते हैं। क्या बात है, एक सर्विसिंग फ्री मिलता है, फ्री मिलता है कस्टमर को। ओके, और कौन सी दिखाइए? उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये 2020 एक्टिवा 5G है, 2020 मॉडल, 2020 की है। ये लिमिटेड एडिशन में बहुत प्यारी गाड़ी है और ऐसी गाड़ी सिर्फ लिमिटेड ही आई है। अच्छा। क्योंकि 6G लॉन्च होने से कुछ महीने पहले ये होंडा ने इसको लॉन्च किया था लिमिटेड एडिशन करके, जिसमें तीन कलर आए थे, एक ये वाला, एक ब्राउन और ग्रे जी, और एक दूसरा कोई आया था वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये 2020 की फर्स्ट ओनर है। हम गाड़ी जो सेकंड ओनर रहती है वो हम सबसे पहले ही बता देते हैं कि आपको सेकंड ओनर गाड़ी चलेंगी क्या, कस्टमर से हम लोग पहले इस बारे में राय ले लेते हैं। तो क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? इसके अगर मैं देने की रेट बताऊं तो ये आपको 58,000 रुपीस में आएंगे, 58,000 रुपए में। और किलोमीटर, किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 17,000 किलोमीटर चली, सिर्फ 17,000 चली। जितना भी अभी तक हमने गाड़ी देखा कोई एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है? नहीं, एक्सीडेंट गाड़ी की अगर मैं बात बताऊं तो एक्सीडेंट गाड़ी की डील हम लोग करते ही नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बगल में एक और चमचमा रही है गाड़ी, 2018 ये एक्टिवा 5G 2018 की है। अच्छा। इसमें दो मॉडल्स आते हैं। अच्छा। एक जो देख रहे हैं आप ये लिमिटेड एडिशन है, ये सिंपल है व्हाइट कलर की अगर मैं बात करूं तो, दूसरी कोई भी गाड़ी लो आप उसमें व्हाइट कलर का डिमांड आपको ज्यादा ही आता है। 2018 मॉडल ये किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 22,000 किलोमीटर ओरिजिनल चली है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कीमत की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये हम फाइनल आपको 48,000 रुपीस में दे देते हैं। 48,000 में आपको मिल रही है। बगल में एक मैस्ट्रो आ जाते हैं, मैस्ट्रो एज 2019 मॉडल, ये एज है। वैसे देखा जाए तो माइस्ट्रो और हीरो की, अगर हीरो और होंडा की अगर गाड़ियों की मैं कंपैरिजन करूं तो होंडा का लेवल ऊपर आता है, हीरो का लेवल थोड़ा सा नीचे आता है। 2019 की माइस्ट्रो अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको कोई भी बता सकता है 55,000-60,000, वो उन लोगों के लिए जिनको इसका बात का अनुभव नहीं है। अच्छा। पर हकीकत की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2019 की माइस्ट्रो मात्र आपको 40,000 रुपए में आ जाएंगी। 40,000? हाँ। वही अगर आप 19 या 20 की अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो वही आपका बजट आता है 55,000-58,000। अच्छा। लेकिन अगर आप माइस्ट्रो पे जाते हैं तो ये हीरो की गाड़ी है, इसमें थोड़ा सा आपको रीसेल वैल्यू कम होने की वजह से ये उस रेट में आपको मिल जाता है। किलोमीटर क्या चल चुका है इसके? किलोमीटर की सर अगर मैं बात करूँ तो ये मात्र आपको 38,000 किलोमीटर चली है। बगल बाजू में ये LML वेस्पा है, LML कंपनी की अगर मैं बात करूँ सर तो LML कंपनी बंद हो चुकी है। अच्छा। खासकर इंडिया के लिए इसके स्क्वायर पार्ट्स वगैरह उतने जल्दी मिलते नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कंपनी से या कई मेल दलवा कर या कई टैक्स कुछ भिजवा कर हम इसके पार्ट्स जो है अवेलेबल करवा लेते हैं। अच्छा। काफी उसके लिए समय लगता है, 1.5 से 2 महीना भी लगता है। ये 2014 का मॉडल है, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर, कितना किलोमीटर रनिंग हो चुका है? ये 58,000 चला हुआ है सेकंड ओनर होने के वजह। क्या रेट में छोड़ रहे हैं? इसका फाइनल अगर मैं देने की बात करूं तो ये आपको 26,000-28,000 तक के आ जाता है। 27,000-28,000 में आपको ये मिलेगा। LML वेस्पा। बगल में आते हैं, ये एविएटर 2015 की है। एविएटर की अगर मैं बात करूं तो ये शोरूम में एक्टिवा से महंगी गाड़ी है। अच्छा।
लेकिन रीसेल की अगर अपन बात करते तो ये एक्टिवा से हमको 2-3 हज़ार कम में मिल जाती है। अच्छा। एविएटर जिसमें आपको मोनो सस्पेंशन शॉकअप मिलते हैं, एक्टिवा से ऊंचे शॉकअप मिलते हैं, एक्टिवा से बड़े टायर मिलते हैं, एक्टिवा से हैवी बॉडी भी मिलती है। अच्छा। लेकिन एविएटर होने के वजह से एक्टिवा एक ब्रांड है और एविएटर उससे एक कदम नीचे है। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? ये 2015 की एविएटर आपको मात्र 38,000 रुपए तक के आ जाएंगे। किलोमीटर? किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 23,000 से 24,000 किलोमीटर मिनिमम चली हुई है। अच्छा। अब हम लोग आ गए हैं स्पोर्ट बाइक की तरफ। स्पोर्ट्स बाइक की अगर इस स्पोर्ट बाइक की अगर सर मैं बात करूं तो ये FZ 2.0 है, यानी वर्जन 2, जो न्यू फ्यूल इंजेक्टर के साथ ये गाड़ी आता है और काफी अमेजिंग है ये जी। इसके सर अगर मैं एवरेज की अगर बात करूं तो इसका एवरेज आपको पल्सर से ज्यादा आता है, पल्सर 150 से ज्यादा आता है। अच्छा, क्या एवरेज आता है ऐसे? इसकी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 60 का एवरेज दे देती है अगर वेल मेंटेन रही तो। अच्छा। जैसे ये गाड़ी की अगर मैं बात करूं, ये गाड़ी मात्र सिर्फ 3 से 4 महीना यूज की हुई है। कौन सी मॉडल है ये? ये FZ 2018 का मॉडल है। अच्छा। और ये बताऊं, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है। अच्छा। मैंने जब इसे शोरूम लिया था तब ये आप मानेंगे नहीं, ये शोरूम तो गाड़ी एवरेज अच्छा ही देती है, लेकिन फिर भी उस टाइम मुझे 60 से 65 का एवरेज ये दे रही थी। अच्छा। मैंने 4 महीने यूज किया, उसके बाद अभी भी ये गाड़ी मेरे नाम पे ही है। अच्छा। और मैं इसे अभी सेल आउट करना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल घर की गाड़ी। तो ये फर्स्ट ओनर पे? फर्स्ट ओनर है और मेरे ही नाम पे ही है। कितना किलोमीटर चल गया है? इसके किलोमीटर की बात करूँ तो मैंने इसे सिर्फ 4 महीने में 8 से 9 हज़ार किलोमीटर चलाया है, बाकी गाड़ी वेल मेंटेन है। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप इसे? अगर इसकी रेट की सर मैं बात करूं तो जब मैंने इसे शोरूम लिया था तब ये मुझे 135-138 तक के गई थी। अच्छा। पर अब जब सेकंड हैंड का जो रूल बनता है, हाँ। मैं किसी से झूठ तो नहीं कहूंगा, सेकंड हैंड में मैं आपको इसको मात्र 65,000 रुपीस में ये सेल आउट कर रहा हूँ। 65,000 में वेल मेंटेन वेल कंडीशन गाड़ी। अच्छा। बगल में पल्सर 220 दिख रही है। बगल में 2018 की पल्सर 220 है जी। ये गाड़ी असल में शोरूम से इस वक्त तो बंद हो चुकी है क्योंकि बजाज वाले ने अभी 250 और एक नई नई गाड़ी अपनी जो लॉन्च की है। अच्छा। लेकिन मैं आप सभी के चाहने वालों को और सभी आपके जो जितने भी सब्सक्राइबर है जो आपसे बेहद प्यार करते हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त 220 की वैल्यू पुराने से ज्यादा है, पुराने से ज्यादा और नई वाली से तो और ज्यादा है। अच्छा। यानी जिस किसी के भी पास 220 है आज उसके पास समझ लीजिए कि सोना है, सोना है, क्योंकि ये रेट आज भी आपको सोने का ही रेट दे के जाएंगे। अच्छा। ये पल्सर 220 कौन से मॉडल है? ये पल्सर 2018 का मॉडल है 220। ये मात्र किलोमीटर की बात करूं तो ये 40,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, 40,000 जी। फर्स्ट ओनर पे है? फर्स्ट ओनर पे है। क्या रेट में आप छोड़ रहे हैं सर? इसका आपको फाइनल रेट अगर मैं बता दूं तो ये आपको 58,000 से 60,000 रुपए में आ जाएंगे। अच्छा। और उसका जो बगल वाला पल्सर? उसके बगल में 2014 का पल्सर है। 2014 का पल्सर है जी, सेकंड ओनर है। इसमें वेल मेंटेन है, सर्विसिंग टाइम टू टाइम इसकी कंपनी से होती है और अभी हाल ही में 2000 किलोमीटर चलने से पहले इसमें ब्रांड न्यू टायर डाले हुए हैं। अच्छा। कितना किलोमीटर चला हुआ है ऐसे? हाँ, ये 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। क्या रेट में छोड़ रहे हैं आप? ये इसका फाइनल अगर मैं आपको रेट बताऊं तो ये आपको 45,000 रुपए में आ जाएगा। 45,000 रुपए। मोस्ट पॉपुलर बाइक में इसी का नाम आता है क्योंकि हर कोई बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता, हर किसी को चाहिए एवरेज कम्फर्ट और जीरो मेंटेनेंस गाड़ी। ऐसी गाड़ियां सिर्फ मिलती है तो सिर्फ हीरो होंडा स्प्लेंडर और हीरो होंडा पैशन और होंडा की शाइन। कौन सी मॉडल है ये गाड़ी? ये वाला 2019 है, वो वाला 2020 है। अच्छा, 19-20 की बाइक। हाँ। कितना किलोमीटर चला हुआ ये मात्र 19 की चला है। ये क्वालिटी गाड़ी है, कुछ गाड़ी ऐसी भी होती है जो कम चला होता है, वेल मेंटेन होता है, जिसपे आप चाहेंगे बोलेंगे कि ये शोरूम जैसी ही दिख रही है। अच्छा, जैसे आप इसका कंडीशन देख रहे हैं उससे समझ में ही आ रहा होगा आपको कि ये वेल मेंटेन शोरूम जैसी ही गाड़ी है। ये मात्र आपको 18,000 किलोमीटर चली हुई मिलेंगी 2019 की, और 20 वाली आपको दिख रही है उसमें 2020 की है, वह आपको 14,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, दोनों फर्स्ट ओनर? दोनों फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या रेट में इसे 19 और 20 की छोड़ रहे हैं? वो 19 और 20 की अगर मैं बात करूं तो 2020 की आपको आएंगी 55,000 में, 55,000 रुपए में, और 19 वाली आपको आएंगी 48,000 रुपीस में, यानी कि 48,000 में, 48,000 रुपए में ही आए चाहिए। ओके दानिश भाई, ये जितना भी हमने बाइक देखा कोई एक्सीडेंटल नहीं है आपके पास? जी, सारा क्लियर है। बात मैं आपको बता दूं एक्सीडेंटल की, तो एक्सीडेंट गाड़ियों पे हम लोग डील नहीं करते, हकीकत बात यही है। अच्छा। हम लोग कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि गाड़ी पे कोई चालान है, गाड़ी कभी किसी चोरी के केस में या किसी अदरवाइज कोई भी ऐसे डिफॉल्टर केस में कभी फंसी है। अच्छा।
हम ओनर को ऊपर से नीचे तक के पूरा वेरीफाई करते हैं। अगर स्टूडेंट आता है तो हम उसके मम्मी पापा से पूरा सेटिस्फेक्शन लेते हैं। अच्छा। उसके बाद ही हम कोई भी गाड़ी की डील करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो हमने देख लिया। आप क्या फाइनेंस भी करते हैं बाइक भी? हाँ, फाइनेंस हमारे गाड़ियों पे आपको 65% तक के फाइनेंस हो जाता है। क्या बात है। बिल्कुल, अगर आप 1,00,000 का गाड़ी लेते हैं तो आप मात्र उसमें 35,000 रुपए डाउन पेमेंट भर के बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 65% तक के आप फाइनेंस कर सकते हैं। क्या बात है। जिसकी अगर इंटरेस्ट अमाउंट की अगर मैं बात करूं सर, तो आपको अगर साल का उसमें 18% मिलता है और अगर आप मंथ के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे प्रोसेस है। साल में अगर करे तो 18% साल का लगता है और मंथ में करे तो 3% मंथ का लगता है। जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर अगर उतना पावरफुल नहीं है कि आपको कंपनी फाइनेंस की, तो हमारे पास प्राइवेट फाइनेंस भी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा जी। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंस का भी अवेलेबल है। नाम ट्रांसफर के क्या अलग से पैसे लगते हैं कि उसी में सारा इंक्लूड है? नाम ट्रांसफर की अगर मैं बात करूँ तो एक जाहिर सी बात है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो रजिस्ट्री तो लेने वाले को ही करना पड़ता है सर। तो आप नाम का हम लोग एक पीरियड देते हैं कि आप इतने से इतने समय तक के आप इसको नाम पे कीजिए और हम लोग ही नाम पे करवा कर देते हैं। कितने चार्जेस लगते हैं उसमें नाम? उसका एक छोटा सा अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो आपको उसमें मिनिमम 2,000 से 2,200 रुपए तक के आपका नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। लोकल जगह पे। अब देखिए, जैसा इस नागपुर शहर में 3 RTO अवेलेबल है, MH 31, MH 40, MH 49। ये तीनों RTO में अगर आप नागपुर में ट्रांसफर करते तो मिनिमम 1500 से 1800 रुपए में आपका ट्रांसफरेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसा गोंदिया रहने वाले हैं या कहीं और रहने वाले हैं तो मिनिमम आप पकड़ लीजिए 2,000 से 2,200 रुपए आपको ट्रांसफर का खर्चा आता है। हम लोग बिना ट्रांसफर किए कोई भी गाड़ी बेचते नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात है। ट्रांसफर में आपको पता चलेगा कितना पैसा लगता है, लेकिन फाइनेंस जो फैसिलिटी है वो कितने किलोमीटर के अंदर में दे रहे हैं आप? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर? एक होता है, मान लीजिए कोई अलग बिहार से देख रहे हैं, वो फाइनेंस हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास है? अगर उनका सिविल स्कोर अच्छा है। अच्छा। तो हम यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अच्छा, जितने भी हमारे दूसरे जो आसपास के कंट्री, जितने भी जैसे महाराष्ट्र के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, हाँ, हम वहाँ पर कंपनी फाइनेंस करते। प्राइवेट फाइनेंस हम 500 किलोमीटर तक की रेंज पे करते, जैसा वर्धा, वनी, यवतमाल, चंद्रपुर, या और भी जैसा हमारे पास से MP के बॉर्डर के पास से कुछ लोग आते हैं, वहाँ तक के 500 किलोमीटर तक के हम प्राइवेट फाइनेंस कर देते हैं। अच्छा। या किसी का अगर सिविल स्कोर सिटी में भी अच्छा है तो उसको कंपनी फाइनेंस करवा देते हैं। क्या बात है। तो आपको पता चल गया एरिया भाई कौन कौन से एरिया में फाइनेंस हो रहा है, एंड झारखंड, बिहार, यूपी सब तरफ का नाम ले लिए। एंड बहुत अच्छा लगा, आपने जानकारी दी बाइक के बारे में। रेट भी आपका जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि हाई फाई रेट है। रेट के साथ आपको गाड़ी का क्वालिटी भी मुझे देखने में मिला, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। थैंक यू दानिश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे जो ऑडियंस आते हैं उसको अच्छे से आप डील करिए, कॉल करेंगे तो अच्छे से बात करिए। बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ आकर के आप लोग डील करिए, गाड़ी चला करके देखिए कितने रेट में आपको मिल रहा है। और कोई भी अगर आपको कॉल करता है तो उसके बहकावे में मन नहीं आना है कि मैं आपको बाइक दिला दूंगा, तो आप लोग जो नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसी पर कॉल करिएगा, किसी के अन्य के बहकावे में नहीं आना है। ओके, थैंक यू सो मच। खेलते हैं फिर, मिलते हैं, और भी कलेक्शन आएगा तो जरूर याद। बिल्कुल।